वेलकम टू शेफ्स किचन। आज हम बनाएंगे सोया गार्लिक कबाब। अभी मैं सोयाबीन कबाब बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 150 ग्राम सोयाबीन लिया है और एक लहसुन लिया है फुल, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, 6 हरा मिर्च लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 लवंग लिया है और 1 कप के उतना कड़ी पत्ता लिया है। ये मैंने पहले भी एक रेसिपी में बनाया था, लहसुनी कबाब, चिकन कबाब, वैसे ही सेम आपको सोयाबीन में बनाना है वेज कबाब। इसको पहले मैं एक जार में कड़ी पत्ता इसका पेस्ट बना के लेना है। जो भी मैंने पूरा लिया है ये सब इसमें लेके मिक्स करके इसका पेस्ट बना के लेना है। इसके लिए मैं और एक पेस्ट बना के लेने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 कप दही लिया है, स्वाद के अनुसार नमक, 1 तेल। इसमें एक चीज नहीं लिया है हम लोग ने, अंडा नहीं लिया है। चिकन के इसमें अंडा लिया था, ये वेज है इसके लिए आपको अंडा इसमें नहीं लेना है। अभी इन सब चीजों को मिक्स करना है आपको। लहसुन और चिल्ली का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है उसको इसमें मिक्स करके इसको अच्छे से मिला लीजिए। एकदम टेस्टी बनता है, जस्ट ट्राई करके देख लीजिए। इससे पहला वाला रेसिपी में मैंने चिकन का बनाया लहसुनी कबाब, सेम सब लेना है उसमें, लेकिन अंडा आपको स्किप करना है, अंडा नहीं लेना है इसमें। देखिए पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसको सोयाबीन में मिक्स कीजिए अच्छे से। सोयाबीन को अच्छे से धो के रखा था। लहसुनी सोयाबीन कबाब है। जो नॉनवेज नहीं खाते उन लोग के लिए ये अच्छा रहेगा। ट्राई कीजिए, ट्राई करके कमेंट जरूर कीजिए। देखो ये अच्छे से मिक्स हो गया मसाला के साथ। इसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रखें, इसको बाद में आपको फ्राई करना है। जो मैंने मशरूम को मैरिनेट करके रखा था उसको अभी फ्राई करती हूँ। इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालना है, इसका कड़ी पत्ते की वजह से थोड़ा अंदर भी टेस्ट आएगा इसका। हम लोग ने पहले के वीडियो में मैंने डाला है लहसुन कबाब, इसमें भी मैंने चिकन के साथ कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता और लहसुन का फ्लेवर ही अंदर जो है ये डिश में मेन हुई है। फ्राई हो गया है अच्छे से। नॉनवेज खाने वाले को चिकन बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, बट वेज वाले के पास ऑप्शन नहीं है। ये ऐसे बना के खाओ तो अच्छा रहेगा टेस्ट में। इसको दूसरे प्लेट में
एकदम रेडी फ्राई हो गया है। ज़्यादा फ्राई होने का ज़रूरत नहीं पड़ता है आपको सोयाबीन, इतना ज़्यादा फ्राई चिकन ज़्यादा टाइम लेता है, ये जल्दी हो जाता है फ्राई करके।